हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने YouTube चैनल को किसी दूसरे Gmail के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आपका YouTube चैनल किसी Gmail के ऊपर आपने क्रिएट किया हुआ है और अब आप चाहते हो कि वो जो YouTube चैनल है वो किसी दूसरी Gmail के ऊपर ट्रांसफर हो जाए, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद में यहाँ पर आपको अपने उस जीमेल आईडी से लॉगिन कंप्लीट करना है जिस भी जीमेल आईडी के ऊपर अभी आपका यूट्यूब चैनल अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ये वाली जीमेल आईडी है जिसके ऊपर मेरा यूट्यूब चैनल अभी अवेलेबल है, और मैं उस यूट्यूब चैनल को मेरी इस वाली जीमेल आईडी के ऊपर, देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरे pnaruka064@gmail.com जो है इस वाली जीमेल आईडी के ऊपर मुझे अपने यूट्यूब चैनल को ट्रांसफर करना है। तो ऐसा करने के लिए जिस भी जीमेल आईडी के ऊपर मेरा यूट्यूब चैनल अभी अवेलेबल है, सबसे पहले मैं उस जीमेल आईडी को ओपन करके वहां पर यूट्यूब को ओपन करूंगा। यूट्यूब को ओपन कर लेने के बाद में यहाँ पर आपका जो यूट्यूब चैनल है, सबसे पहले आपको उसे अपने ब्रांड अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। यदि आपको नहीं पता कि अपने YouTube चैनल को ब्रांड अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके ऊपर हमने वीडियो क्रिएट की हुई जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप अपने YouTube चैनल को ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, देखिए लोगो का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको स्विच अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपको अपना जो भी यूट्यूब चैनल है उसे सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप किसी दूसरे जीमेल के ऊपर ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे डेमो 2 के नाम से ये यूट्यूब चैनल है, मैं इसको ट्रांसफर करना चाहता हूँ दूसरी जीमेल के ऊपर, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा योर वीडियोस का, आपको सिंपली क्या करना है इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे न्यू विंडो के अंदर, यहाँ पर आपका एक पेज जो है वो लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको क्या करना है सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको परमिशंस का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको परमिशंस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। परमिशंस के ऊपर क्लिक कर देने के बाद में आप देखिए मैनेज परमिशंस का एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर नाम से कुछ भी लेन देन नहीं है, हो सकता है यहाँ पर आपके चैनल का नाम ना आकर के कुछ और नाम आ जाए, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको सिंपली क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर देखिए मैनेज परमिशंस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप मैनेज परमिशंस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ही आपसे आपका जीमेल का पासवर्ड मांगेगा, तो आपको अपने जीमेल का पासवर्ड एंटर कर देना है। अपने जीमेल का पासवर्ड एंटर कर देने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। जैसे उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी, वापस आप इस वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे, तो आपको वापस क्या करना है, मैनेज परमिशंस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस बार आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्टली आपको मैनेज परमिशंस का पॉपअप के अंदर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, अपने जिस भी जीमेल आईडी के ऊपर अपना यूट्यूब चैनल आपको ट्रांसफर करना है, आपको उस वाले जीमेल आईडी को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो उसे ऐड करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको एक आइकन मिलेगा, आपको सिंपली इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको अपनी वो वाली जीमेल आईडी यहां पर एंटर करनी है जिस भी जीमेल आईडी के ऊपर आप अपने यूट्यूब चैनल को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहां पर मैं अपनी जीमेल आईडी को एंटर कर देता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी जीमेल आईडी एंटर कर दी है, मुझे इसी वाली जीमेल आईडी के ऊपर अपने चैनल को ट्रांसफर करना है। एंटर कर देने के बाद में यहाँ पर देखिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट हो चुका है। अपनी जीमेल आईडी एंटर कर देने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा चूज अ रोल का, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और ये जो ओनर है ओनर वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओनर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पर देखिए इन्वाइट का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इन्वाइट क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर देखिए इन्वाइटेड यूजर्स के यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ चुका है और आपका जो इनविटेशन है वो सेंड कर दिया गया है इस वाली जीमेल के ऊपर। अब आपको सिंपली क्या करना है, अपनी इस वाली जीमेल आईडी को ओपन करनी है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, और जो लोग फोन के अंदर ये प्रोसेस को कर रहे हैं उनके फोन के अंदर जीमेल नाम का एप्लीकेशन होगा, तो वो सिंपली जीमेल ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लैपटॉप के अंदर कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ gmail, जीमेल में सर्च कर देता हूँ। ठीक है, जीमेल सर्च करने के बाद में देखिए फर्स्ट नंबर पर आ चुका है जीमेल, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर देखिए ऊपर साइन इन का एक ऑप्शन मिल रहा है, मैं सिंपली साइन इन वाले ऑप्शन के ऊपर
क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये मेरा 064 वाला अकाउंट था, मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर अब ओपन हो चुकी है। जीमेल आईडी ओपन हो जाने के बाद में यहाँ पर देखिए गूगल माय बिजनेस के नाम से आपको एक मेल रिसीव हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, उस मेल को ओपन करना है। उस मेल को ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखिए इनविटेशन हमारे को आया हुआ है और सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट इनविटेशन। आपके सामने भी यहाँ पर ऐसा ही कुछ आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सेप्ट इनविटेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सेप्ट इनविटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, एक्सेप्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए एक्सेप्टिंग लिखा हुआ आ चुका है और यहाँ पर देखिए एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ चुका है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जो है इस चैनल के ओनर बन चुके हैं। अभी आप यहाँ पर फुल ओनर नहीं बने हो, अभी आप हाफ ओनर बने हो, यानी कि अभी आपको बस एक्सेस करने की ही यहाँ पर आपको अथॉरिटी दी गई है। अभी फ्रेंड्स अपना सिर्फ आधा ही काम कंप्लीट हुआ है, ओनर बनना ही हमारी यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं थी, हमें पूरा का पूरा चैनल ही ट्रांसफर करना है अपने जीमेल के ऊपर। तो इस चीज को करने के लिए क्या करना होगा, अपने वापस से जो ओल्ड जीमेल थी जिससे अपने यहाँ पर इनविटेशन सेंड किया था उसे ओपन करना है। यहाँ पर देखिए इसे ओपन कर लेने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, डन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और इसको एक बार रिफ्रेश मार देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश मार देता हूँ। फिर से मैं क्या करता हूँ, मैनेज परमिशंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैनेज परमिशंस के ऊपर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी ये वाली जो जीमेल थी आकाश नरुका के नाम से, वो अब यहाँ पर देखिए ओनर बन चुकी है। बट अभी ये प्राइमरी ओनर नहीं बनी, ये सिर्फ एक टेम्परेरी ओनर बना है। हमारे को इसे प्राइमरी ओनर बनाना होगा, तभी जा करके हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मेरी इस वाली जीमेल के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए ओनर वाला जो ये ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए प्राइमरी ओनर का एक ऑप्शन मिलेगा। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पर देखिए पॉपअप के अंदर को जैसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ चुका है, प्राइमरी ओनरशिप कैन ओनली बी ट्रांसफर टू यूजर हु हैज मैनेजर ऑफ मोर देन 7 डेज। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स यहाँ पर अभी आप ओनर ही रहोगे, आपको यहाँ पर 7 दिन इंतजार करना होगा। 7 दिन के बाद में 8वें दिन आप यहाँ पर आकर के ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके प्राइमरी ओनर बन सकते हो। ये जो आगे की प्रोसेस है मैं आपको 7 दिन बाद कंप्लीट करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर हम 7 दिन वेट कर लेते हैं। 7 दिन इंतजार करने के बाद तो फ्रेंड्स यहाँ पर 7 दिन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज 8वां दिन है। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपका यूट्यूब चैनल जिस भी जीमेल पर अवेलेबल है ना, आपको उसी जीमेल को फिर से ओपन कर लेना होगा और यहाँ पर आपको सर्चिंग बार पे आना है और यहाँ पर आपको यूट्यूब स्टूडियो को सर्च कर लेना है। जैसे आप यूट्यूब स्टूडियो को सर्च करेंगे फर्स्ट नंबर पर यूट्यूब स्टूडियो आ जाएगा। सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना जो YouTube चैनल है, जैसे हम यहाँ पर दूसरी Gmail के ऊपर ट्रांसफर करना चाहते हैं वो YouTube चैनल यहाँ पर आ चुका है। ये आ जाने के बाद में फिर से आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देने के बाद में परमिशंस में आना है और मैनेज परमिशंस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको फिर से क्या करना है, मैनेज परमिशंस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप मैनेज परमिशंस के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 7 दिन पहले आकाश नरुका वाली जो ये आईडी है इसको प्राइमरी ओनर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आ रहा था। लेकिन अब 7 दिन बाद में आज 8वां दिन है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और प्राइमरी ओनर के ऊपर मैं क्लिक करके इसको ट्रांसफ़र के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफरिंग ओनरशिप यहाँ पर लिखा हुआ रहा है। यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनरशिप ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर इस चैनल का जो ओनर है वो ये आकाश नरुका वाली जो आईडी है वो बन चुकी है। हमारे को अपना चैनल जो है वो दूसरी जीमेल के ऊपर ट्रांसफ़र करना था, जो ट्रांसफ़र हो चुका है आपके सामने। यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं आकाश नरुका और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा pnaruka064@gmail.com लिखा हुआ आ रहा है। इस वाली जीमेल को प्राइमरी ओनर बना देने के बाद में हमारी जो पहले वाली जीमेल आईडी है यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली जो अपनी थी आईडी, अब सिंपली आपको इसको रिमूव कर देना है। इसे रिमूव करने के लिए यहाँ पर देखिए रिमूव का एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर क्रॉस का, आपको सिंपली इस क्रॉस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको रिमूव के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ये वाली जो अपनी जीमेल थी वो सक्सेसफुली यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ इस वाले पेज को और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो चैनल है वहाँ से अब अपना एक्सेस जो है वो हट चुका है। अपनी जो ये वाली जीमेल आईडी थी filmijal02@gmail.com जो बनी हुई है, ये वाली जीमेल आईडी से अब ये वाला जो यूट्यूब चैनल है वो हट चुका है और ये वाला जो यूट्यूब चैनल है वो अब अपनी दूसरी जीमेल आईडी यानी उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ
और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना जो यूट्यूब चैनल है वो सक्सेसफुली इस वाली जी मेल आई डी के ऊपर फुल परमिशंस के साथ में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अभी सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नीचे जाता हूँ, यहाँ पर देखिए सेटिंग वाला जो ऑप्शन है सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको परमिशंस के ऊपर जाना है, मैनेज परमिशंस के ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप मैनेज परमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको मैनेज परमिशंस के ऊपर फिर से एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर मैनेज परमिशंस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारी सिर्फ की एक ही आईडी है जो भी पर्सनल ओनर के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी हमने यहाँ पर आईडी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो सक्सेसफुली हमारी इस वाली जीमेल आईडी के ऊपर ट्रांसफर हो चुका है, और वो जो ओल्ड वाली जीमेल आईडी है अब वहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता इस चैनल के ऊपर। यानी कि पूरा का पूरा चैनल जो है वो अपन ने ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब जो भी हमें इस चैनल के अंदर करना होगा वो इस वाली जीमेल आईडी से करना होगा। वो जो पहले वाली जीमेल आईडी थी अब वो उस जीमेल आईडी से आप इस चैनल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यानी कि इस चैनल के अंदर अगर आपको कोई वीडियो अपलोड करनी है तो आप वो जो पहले वाली जीमेल आईडी थी वहां से नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपलोड करनी है तो ये जो आपने नई जीमेल आईडी के ऊपर ट्रांसफर कराया ना अपना यूट्यूब चैनल, इसी जीमेल आईडी को आपको यूज़ में लेते हुए अपने चैनल के ऊपर वीडियो या फिर कोई भी पोस्ट को अपलोड करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छा सब कुछ क्लियर हो गया हो कि आप किस तरीके से अपने YouTube चैनल को किसी दूसरे Gmail ID के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।